और बात करेंगे यूपी के फतेहपुर की, जहां एक होटल में सराफा व्यवसायियों ने प्रदेश स्तरीय बैठक करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए और साइबर क्राइम के विषय में जागरूकता सहित सराफा व्यापारियों के साथ लूट की घटनाओं के खुलासे और उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा कर प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर व्यापारी साथियों को व्यापक सुरक्षा का माहौल दिलाने का काम किया। खासकर फतेहपुर में सुरक्षा व्यापारियों के साथ हुई लूट की घटनाओं को देखते हुए सराफा बाजार में पुलिस पिकेट लगाए जाने की मांग को पूरी किया जाए, अन्यथा स्थिति में व्यापारी प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन से अध्यक्ष कैलाश नाथ, महामंत्री सुमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल सहित फतेहपुर सराफा एसोसिएशन से वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेश सोनी सहित कई अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साइबर में लेडीज कस्टमर ज्यादा आती है, वो आती है और कहती है कि भाई जितनी बात की चाहिए पता है कि आपको अमाउंट दे दिया, आप समझते हो कि मुझे अमाउंट मिल गया कि आपका नहीं दे पाऊँ। पिछले 4-5 वर्ष पूर्व हम लोग एक फतेहपुर सराफा कमेटी में संगठन के संयोजक बनने के बाद हम लोग अध्यक्ष महोदय और मुन्ना मिश्रा सभी लोगों के संग में आए थे और 4 साल आकर के हम लोग अपने सोच रहे हैं कि हम अपने घर पे एक आयोग बहुत एक सुखद अनुभव। क्या निर्णय लिए गए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, और दूसरा क्या है कि अभी एक कांड हुआ था चौक बाजार में जो कि महिला ने जेवरात को चुराया था, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे जिस तरह से मतलब यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, तो आज तक जितनी भी सराफा व्यवसायियों के साथ घटना हुई आज तक एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ, जिससे हमारा व्यापारी डरा हुआ भी है और जितना सहमा हुआ है मतलब कोई भी उससे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कप्तान साहब ने जो आश्वासन दिया है लेकिन अभी उसका कोई वो नहीं दिखता है। जैसे उन्होंने सीओ साहब ने उस दिन क्वालिटी के लिए कहा था लेकिन आज तक कोई भी टीम नहीं लगाई गई, जिसका हमने आज फोन भी किया था, अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए हम फिर से बात करेंगे, लेकिन हमारी बात हुई है अगर जैसे इसमें नहीं होता है कोई भी खुलासा तो इसमें बड़ा एक आंदोलन होगा जिसमें हम लोगों की शिरकत हुई है, अगर ये नहीं होता तो हम लोग एक बड़े आंदोलन पे जाएंगे। जी, आपका परिचय? हमारा, मैं पप्पन नस्तोगी सराफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ।